वेलकम टू डी टुडे एंड ये वीडियो बड़े ही फ्रस्टेशन के साथ बनानी पड़ रही है कि यार डी ने क्या कर दिया है हम लोग कट ऑफ के टाइम का एडमिशन प्रोसेस देखते थे और अब का जो सी का पोर्टल का एडमिशन है ना इतना खराब कर दिया है डी ने मतलब डी ने कहे या फिर जो भी प्रोसेस इन लोगों ने चूज़ किया है वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग है कि एग्जाम तो बच्चा दे ही दे ट्वेल्थ के एग्जाम भी दे सी भी दे और प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना चाहिए तब जाके प्रेफरेंस लिस्ट के लिए एक अलग से टेस्ट बने जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट सबसे बढ़िया उसको जीत घोषित कर दो इतना बड़ा सिस्टम बना दिया जिसके साढ़े छः सौ नंबर भी आ रहे हैं ना साढ़े छः सौ नंबर आ रहे हैं सात नंबर आ रहे हैं उस बंदे का भी एडमिशन नहीं हुआ है फर्स्ट अलॉटमेंट में क्यों क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर नीचे कर दिया अरे भाई ये कौन सी डिजर्विंग तरीका है हम लोग जब जब अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई सी में अब दिल्ली दे, यूनिवर्सिटी उसके थ्रू एडमिशन बच्चे देंगे तो हम लोग सोचते थे कि अच्छा अब चलो पैरिटी स्टेज मिल जाएगा बट इतना मैसी सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा किसको क्या करना है मैं टीचर्स से पूछता हूँ सर क्या तरीका होना चाहिए टीचर्स भी मुंह पर कहते हैं भाई बेटा हमें तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो रहा है बस हो रहा है ठीक है कट ऑफ वाले सिस्टम पे चलो ये तो था कि डेटा था डेटा पे अप्लाई कर दो तो अगर डिजर्व करते हो नंबर पे अगर नोमरिक वैल्यू में आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अरे भाई सी देने के बाद तुम्हारे साढ़े छः सौ नंबर आने के बाद तुम्हें फर्स्ट अलॉटमेंट में कॉलेज ही नहीं मिल रहा तो तुम कहाँ के लाइक like, क्या ही सिस्टम है लाइक रियली डिसअपॉइंटेड और डिसपॉइंटमेंट भी नहीं कहूँगा अल से कि बड़ा ही एंशियस लगेगा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है हमारी डेली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था कट ऑफ सीजन में तो अब अगर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे अगर एडमिशन चाहिए या फिर मेरे किसी जूनियर को एडमिशन चाहिए या मेरे घर में किसी को एडमिशन चाहिए तो क्या प्रॉपर गाइडेंस है किसकी तरफ से है एक सबसे अच्छी चीज़ ये तो चलो है कि डी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज़ करा देता है जिसमें प्रोफेसर्स हमारे जो डीन ऑफ एग्जामिनेशन ये सब आके चीज़ें बात कर लेते हैं बट उसके बाद फिर इतना ज़्यादा क्रैप यूट्यूब पे है ना कि भाई ए, मेरा एक्सपीरियंस चलो मान लो मैं भी उस चीज़ में इंक्लूडेड हूँ मेरा एक ओपिनियन है उसमें पर्टिकुलर तरीके से होगा किसी और का है वो किसी और का किसी और तरीके से हुआ किसी और का किसी और तरीके से होने वाला है हज़ार लोग हज़ार तरीके की चीज़ें बता रहे बच्चे का दिमाग पूरा घूम जा रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि फर्स्ट अलॉटमेंट में एडमिशन जिसका हो गया चलो ठीक है अब अपग्रेड करें तो प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर कर सकते हैं री में कोई नीचे का कॉलेज ऊपर ना हो लिस्ट को ऐसे बनाओ कि सिर्फ टूपर के कॉलेजेज़ ऊपर हों फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ का कोई ना हो जाए ऑफ़ का ना हो जाए इतना हवा बना दिया है कि ऑफ़ कैंपस इतना बुरा है साउथ कैंपस इतना बुरा है मतलब ये तो हद मार के खराब चीज है हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस वीडियो वगैरह लेके आए बट एक वीडियो बनाने का एक बड़ा ही जोर सा तरीका था कि यार मतलब रियली really डिसपॉइंटेड उस बच्चे का क्या हो रहा होगा जिसके पास ना तो संसाधन है जिसने सिर्फ चलो हक मार के अपना एडमिशन तो कराने की कोशिश करी होगी सी ए टी दिया होगा अच्छे मार्क्स आ गए होंगे अब उसके बाद वो क्या करे अब वो प्रेफरेंस के लिए अलग से लड़ाई करेगी उसको समझ ही नहीं आ रहा है जब ठीक है कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ कॉलेज की है एटलीस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने अंदर तो एक इंटरनल रैंकिंग बना सकती है बट ये तो एक हमारा ओपिनियन है कि इससे ईज आउट हो सकता है प्रोसेस बट अगर साफ सी चीज़ कही जाए तो कट ऑफ का जो प्रोसेस था भले ही वो डिस्क्रिमिनेटरी था कई चीज़ों पे बट वो बेटर था सी यू यू टी से ठीक है सी ई टी में एंट्री करने के बाद जो सी साज पोर्टल है सबसे बड़ी मशक्क़त है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना आदमी को प्रेफरेंस लिस्ट के लिए अलग से एक पेपर देना चाहिए कि हाँ भाई आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के काबिल भी हो कि नहीं हो सबको हाथ में दे दिया आप पता ही नहीं है कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी तो दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग बट ठीक है चलो अब यही प्रोसेस है हम कितना ही बोल सकते हैं बट अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ड्यू टुडे के जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे डी कर सकते हैं विल ट्राई टू हेल्प यू एंड विल कोलाबरेट विद कपल मोर क्रिएटर्स कि हम लोग आपको हेल्प कर पाए एज इन गाइडिंग हेल्प कर पाए ठीक है, है तो उसके लिए भी यू कैन स्टे ट्यून ऑल बट अगर आपका कोई थॉट या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें ऑल सो विद दैट थैंक यू सो मच साइनिंग ऑफ फ्रॉम ड्यू टूडे